तो यार भाई लोग, आज की वीडियो में यार हम लोग बात करने वाले भाई वीवो की तरफ से आने वाले एक और नए ब्रांड न्यू स्मार्टफोन की गेमिंग रिव्यू के बारे में। जी हां गाइस, आज की वीडियो में यार हम लोग बात करने वाले भाई वीवो Y15a 4G इस स्मार्टफोन की गेमिंग रिव्यू के बारे में। और मोस्ट प्रोबेबली ये जो स्मार्टफोन है वो हमारे इंडिया में नेक्स्ट मंथ बिल्कुल कंफर्म है कि लॉन्च होने ही वाला है, क्योंकि ये फोन ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है भाई फिलीपींस में। और आज की वीडियो में यार इसी फोन की हम गेमिंग रिव्यू के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जानेंगे कि यार ये फोन अगर हमारे इंडिया में लॉन्च हो गया तो क्या आपको इस फोन को गेमिंग के लिए कंसिडर करना भी चाहिए नहीं। साथ ही साथ हम इसके जायरोस्कोप टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी हीटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके ओवरऑल स्पेसिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, और क्या ग्राफिक सेटिंग प्रोवाइड करके देता है भाई पबजी मोबाइल या फिर BGMI में, इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं ना। ऑब्वियसली बात है भाई, हम इसके प्राइस सेगमेंट के बारे में भी डिस्कस करने वाले, तो इसी कारण से यार ये वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। तो इस वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक, बाकी चलो यार टाइम वेस्ट नहीं करते और हमारी आज के अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो दिखा भाई लोग, वैसे तो यार वीवो Y15a 4G एक बजट सेगमेंट वाला स्मार्टफोन होने वाला है, इसलिए आपको जिसमें स्पेसिफिकेशन देखने को मिलने वाले वो उतने ज्यादा इंप्रेसिव तो देखने को नहीं मिलने वाले, बट स्टिल क्या इसके प्राइस के हिसाब से जस्टिफाई करते भी या नहीं, ये जाना इंटरेस्टिंग बन जाता है। लेकिन यार वीवो Y15a 4G के हम स्पेसिफिकेशन के बारे में तो आखिर में डिस्कस करने ही वाले हैं, लेकिन सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं भाई इस फोन की गेमिंग रिव्यू के बारे में, और जानते कि भाई आखिर ये फोन एग्जैक्टली गेमिंग में कैसा परफॉर्म करने वाला है, क्या ये फोन गेमिंग के लिए बना भी है या नहीं। तो गाइस इसी कारण से भाई हम इसमें टेस्ट करने वाले हैं पबजी मोबाइल को, बेसिकली BGMI को, एंड दोनों में ही यहाँ पे आपको जो भाई डिफॉल्ट में ग्राफिक्स जो देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा भाई स्मूथ में मीडियम। जी हां गाइस, यहां पे आपको स्मूथ में मीडियम ग्राफिक्स का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और वही बात करते हैं भाई इस फोन के हाईएस्ट ग्राफिक्स के बारे में, तो यहां पे आपको बैलेंस में भी मीडियम ग्राफिक्स का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, यानी कि मिनिमम एंड मैक्सिमम ग्राफिक्स में आप इसमें 25 FPS में गेम प्ले कर पाओगे। इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि भाई ये जो फोन है वो गेमिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, बट हाँ ये जो फोन है वो 25 FPS को काफी इजी तरीके से हैंडल कर पाता है, थोड़ा बहुत लैग करता है पर ओवरऑल ये 25 FPS को मेंटेन कर पाता है भाई TDM और इरांगल में। हालांकि सेनोक के बूटकैम में भाई ये थोड़ा लैग कर जाता है और इसके FPS भाई 20 के भी बिलो आ जाते हैं, कभी कभी इसके जो FPS है वो लिटरली 16-15 भी FPS टच कर जाते हैं भाई सेनोक के बूटकैम में। पर ऐसे आपको कोई इश्यू देखने को नहीं मिलेगा भाई TDM एंड इरांगल में, पर अभी के टाइम के लिए भाई 2021 खत्म होते जा रहा है और हमको मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस में मिनिमम 30 FPS या फिर 40 FPS देखने को मिल जाते हैं, और उस टाइम पे अभी के टाइम के लिए अगर आपको 25 FPS में गेम प्ले करना पड़ रहा है तो ये किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से जस्टिफाई बिल्कुल भी नहीं करता। तो हाँ, वीवो Y15a 4G फोन गेमिंग के लिए तो यार बिल्कुल भी नहीं बना है, ऊपर से भाई मल्टीटास्किंग में भी ये फोन आपको कभी ना कभी लैग करते हुए दिखाई दे ही देगा, इसमें आपको इतना वीक चिपसेट देखने को मिलने वाला है। तो देखा गेमिंग के लिए तो फोन बिल्कुल भी नहीं बना है, पर अगर आप इस फोन को कंसीडर करोगे भी तो आप 25 FPS में तो गेमिंग कर पाओगे, पर आपका जो एक्सपीरियंस होने वाला है वो बिल्कुल भी अच्छा होने वाला नहीं है। बाकी बात करते हैं इस फोन के जायरोस्कोप के बारे में, तो कंपनी ने अभी तक ये भी रिवील नहीं किया कि भाई यहाँ पे जायरोस्कोप देखने को मिलता भी है या नहीं, पर जो भी हो यार अगर आप जायरोस्कोप देखने को मिलता भी होगा तो भी यहाँ पे आपको डिले देखने को मिलने वाला है, और अगर जायरोस्कोप अच्छा भी होगा तो भाई गेमिंग आप इस फोन में कर ही नहीं पाओगे, तो उस जायरोस्कोप का कोई मतलब भी रहता नहीं है। अगर आप इस फोन में भाई 30 या फिर 35 मिनट की भी गेमिंग कर लोगे तो इसका टेम्परेचर हार्डली 38-39 डिग्री सेल्सियस ही जाएगा 33 एम्बिएंट टेम्परेचर पे। अब देखो इस वीडियो को मैं स्किप कर सकता था, पर बेसिकली हमारे रूरल एरिया के लोग ऑफलाइन मार्केट में भाई ऐसे स्मार्टफोन को बाय कर लेते हैं भाई, बाद में उनको पछतावा ही होता है, इसलिए भाई ये मैंने वीडियो बनाया कि अगर किसी पर्सन को ये फोन पसंद आ जाता है और वो इस फोन को बाय करने के बारे में सोच रहा है तो इस वीडियो को देखने के बाद में शायद उसका माइंड क्लियर हो जाए और वो अपना डिसीजन बदल ले। तो ये वीडियो बनाने का बस इंटेंशन इतना ही है, बट स्टिल बात करते कि भाई वीवो Y15a 4G में आपको स्पेसिफिकेशन क्या देखने को मिलते हैं जिसके बेसिस पे यहाँ पे आपको इस टाइप की गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। तो गाइस बात करते भाई वीवो Y15a 4G के कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो अभी आप देख सकते हैं इसके स्पेसिफिकेशन को, मैं इसे एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करके आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है भाई 6.51 इंचेस का एक नॉर्मल 60Hz की रिफ्रेशिंग रेट वाला एक HD+ IPS डिस्प्ले। या गाइस यहाँ पे आपको FSD+ डिस्प्ले भी देखने को नहीं मिलता है भाई, यहाँ पे आपको नॉर्मली देखने को मिलता है ओनली 60Hz की रिफ्रेशिंग रेट वाला एक HD+ IPS डिस्प्ले। और इसके रैम के बारे में अभी तक वीवो ने कुछ भी नहीं बताया, पर मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि भाई यहाँ पे आपको LPDDR3 या फिर LPDDR4 रैम देखने को मिल जाए, पर रॉम यहाँ पे आपको EMMC 5.1 देखने को मिलने वाली है। बट स्टिल बात करते भाई इस फोन के मोस्ट हाईलाइटेड पार्ट के बारे में जो कि निकल के आता है इसका प्रोसेसर। तो गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है भाई MediaTek का हीलियो P35 जी आ गए, जो कि भाई लिटरली काफी आउटडेटेड प्रोसेसर हो चुका है, काफी अच्छा खासा समय हो चुका है भाई इस प्रोसेसर को लॉन्च हुए, और अभी के टाइम के लिए मुझे नहीं पता कि भाई वो कौन से सस्ते से कर रहा है जो कि आपको इस फोन में ये चिपसेट प्रोवाइड करके दे रहा है। अगर इसी जगह पे भाई MediaTek का हीलियो G70 भी होता तो ये लिटरली ये जो स्मार्टफोन है वो काफी इनसे लेवल का स्मार्टफोन बन सकता था, पर आप क्या ही कर सकते भाई वीवो ने यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया है भाई MediaTek हीलियो P35।
पर वही बात करते भाई इस फोन के प्राइस सेगमेंट के बारे में कि आखिर फोन हमारे इंडिया में कितने प्राइस पॉइंट पे लॉन्च हो सकता है। तो देखा इसका सिर्फ एक ही वेरिएंट लॉन्च किया गया है 4GB 64GB जो कि फिलीपींस में लॉन्च हुआ लगभग 11,950 रुपीस के प्राइस सेगमेंट में। और एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि भाई ये फोन हमारे इंडिया में 11 या फिर 12,000 रुपए के ही प्राइस सेगमेंट में देखने को मिलने वाला है और ये ऑफलाइन मार्केट स्पेशल होने वाला है। तो देखा 11 या फिर 12,000 रुपए के प्राइस सेगमेंट के हिसाब से फोन बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता है भाई। यहाँ पे आपको जो स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं यूजुअली भाई अदर स्मार्टफोन ब्रांड आपको 7 या फिर 8,000 रुपए के प्राइस सेगमेंट में ऐसे स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करके देते हैं। तो भाई कोई सेंस नहीं बनाता भाई Vivo Y15a 4G को बाय करने के लिए भाई 11 या फिर 11,500 रुपए के प्राइस सेगमेंट में। मैं तो इस फोन को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूं, पर आप सभी की क्या राय है इस स्मार्टफोन के बारे में मुझे कमेंट के थ्रू डेफिनेटली बताइएगा। बाकी अगर भी मैंने रिसेंटली Realme 8i को बाय किया है तो उसकी अनबॉक्सिंग एंड डिटेल गेमिंग रिव्यू के बारे में जानना है तो आप मेरी इस वाली वीडियो को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। बाकी गाइस फिलहाल के लिए यार इस वीडियो में बस इतना ही था। मैं मिलता हूं आपको अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।